नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो एक ऑडियो वायरल हो रहा था, एक SFM की फैकल्टी है कोलकाता की, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा उनका, नाम लेने लायक है भी नहीं वो। उसमें उनकी तिलमिलाहट नज़र आ रही थी कि जब बिजनेस चौपट हो जाता है तो इंसान कैसे तिलमिला जाता है। जो किसी टाइम पे 10 से 15 हज़ार बच्चे साल के पढ़ाते थे, आज 100 बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, तो ऐसे बिजनेस जब चौपट होता है तो पगलापन कैसे आ जाता है, पगला कैसे जाता है इंसान, वो उनका आपको नज़र आ जाएगा। आप भी एक बार वो ऑडियो सुनना। उसमें वो बोल रहे थे कि इन दोनों भाइयों ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब मैं बताता हूँ हम दोनों भाइयों ने क्या कर दिया। सबसे पहले वो बोल रहे थे कि ये टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज में पेपर दे देते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं, कॉपी पेस्ट करके पेपर बना देते हैं और रैंक क्लेम करते हैं। मैं इनको बताऊं, मेरा जो भी स्टूडेंट है, जब तक मेरे को मैसेज नहीं करता या कॉल नहीं करता, मैसेज या कॉल नहीं करता, तब तक मैं उसकी रैंक नहीं मानता। जितने भी स्टूडेंट की मैंने रैंक मानी, सबके मैंने स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किए और सब ने मेरे को मैसेज किया, कॉल किया, तब जाके मैंने रैंक मानी। और इनके हाल में बताता हूँ, इनके हाल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं। ये हमारे टाइम पे भी ये करते थे, जब मेरा रिजल्ट आया तब भी, अजय का रिजल्ट आया तब भी, और हमेशा ये करते रहते हैं। पोस्ट डालते हैं इंस्टीट्यूट Top 3 का, सबसे पहले उनको कॉल करते हैं और पूछते हैं हमसे पढ़ा था क्या, हमारी रिवीजन देखी थी क्या, हमारे नोट्स देखे थे क्या, हमारा ये देखा था क्या, वो देखा था क्या, ये काम करते हैं और फिर प्रमोशन करने लग जाते हैं। ये हाल होते हैं इनके, मेरा ये सिद्धांत नहीं है। दूसरा ये बोल रहे थे कि टेस्ट ऐसे होते हैं, क्लास ऐसी होती है। मैं इनको दिखाता हूँ, सबसे पहले यूट्यूब रिविजन वीडियोज़ ऐसे होते हैं, इनको दिखाता हूँ मैं। AIR1 ने सबसे पहले रुझ जी, इनका तो सेम डे मैसेज आ गया था, ये इनका स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, देखना चाहें तो देख भी लेंगे। इन्होंने तो स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में बोला था कि जो इनका मेन सोर्स था प्रिपरेशन का, मेरा यूट्यूब चैनल था। मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू इन्होंने मेन प्रिपरेशन की थी, टेस्ट वगैरह जो दिए थे वो थे मेन चैनल, मेन प्रिपरेशन इन्होंने इससे की। देखना चाहें तो ये भी इनको मैं भेज दूंगा, ये व्हाट्सअप कर देंगे तो मुझे। इसके अलावा जो नन्नी जी है AIR1, सबसे पहले इनके भाई से बात हुई थी मेरी, इनके भाई का कॉल आया, उन्होंने बोला रैंक 1 आपके इंस्टीट्यूट की है। फिर उनसे बात हुई, फिर नंदनी जी से आधे घंटे बात हुई। नंदनी जी टेस्ट देती थी, इनका भाई भी टेस्ट देता था, उनकी भी रैंक है। तो टेस्ट में इनके मार्क्स जो आते थे, एक दो सब्जेक्ट में तो 40 से कम आते, तो लगभग 400 नंबर थे इनके, और 400 से इन्होंने 600 में कन्वर्ट किया, ये लेवल था टेस्ट। और एक दो सब्जेक्ट में तो ये, मैंने बताया आपको, 40 से कम थे FR में तो, और आज FR में इनके 80+ मार्क्स, ये लेवल था। मैं उन फैकल्टी को बोलना चाहूँगा SFM वाली, एक बार हमारा SFM का पेपर सोल्व करना टेस्ट का, पसीने छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, ये लेवल है। ऐसा नहीं होता कि कॉपी पेस्ट चलता है। इसके अलावा खाली टेस्ट नहीं होता, उसमें कॉल होता है, मतलब बच्चा अगर डाउट पूछता, कुछ भी डाउट पूछता है, गाइडेंस के लिए पूछता है कि कैसे इंप्रूव करें, सब बताया जाता है। नंदी जी ने स्पेशल बोला, और इन सबसे बातें होती थी। इसके अलावा हमारे जो रैंकर, जो जो मेरी क्लास लेते थे या जिन्होंने क्लास ली है और टेस्ट दिया है, क्लास लेकर टेस्ट दिया, उन सबके तो मैंने लिस्ट पहले शेयर कर रखी थी, पहले ही, मतलब 3-4 महीने पहले एग्जाम होने से पहले ही, कि टॉप 10 हमारे चल रहे हैं। और स्पेशली जब उन जो हमारे स्टूडेंट थे जो क्लास लेते थे, टेस्ट देते थे, उनसे डेली बात होती थी एग्जाम के टाइम में, डेली 15 दिन कंटिन्यूस मैंने बातें की उनसे कि आगे कैसे फर्दर आपको प्रिपेयर करना है, ये एग्जाम कैसा, वो सब बातें की। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते थे, मैंने बताया भी, एक का ऑडिट का पेपर ख़राब हो गया था, उनको मैंने समझाया कि कैसे आप हैंडल करो, वो सब चीज़ें मैंने करी हैं, तब जाकर रिजल्ट आया, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। इसके अलावा मैंने रिव्यू वीडियो में, जब एग्जाम खत्म हुए थे, IIT का लास्ट एग्जाम था, खत्म हुआ था, रिव्यू वीडियो में स्पेशली बोल दिया था कि 7-8 बच्चे तो हमारी गारंटी से रैंक में आएंगे, सुन लेना कि इनके तो काफ़ी अच्छे पेपर हुए, एक बार वीडियो सुन लेना। इनको भी मैं बोलूँगा एक बार वीडियो सुने, इनको भी थोड़ी अक्कल आएगी उसको सुन के। ये सब बातें, ऐसा नहीं होता कि खाली टेस्ट होते, सब चीज़ें एक प्रोसेस चलता है, तब जाके रिजल्ट आता है, ऐसे हवा में रिजल्ट नहीं आता। इसके अलावा ये और भी बातें बोल रहे थे, उन बातों पे अपन आते हैं। ये बोल रहे थे कि ये बंदे क्या करते हैं, कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसा बोलते हैं। पहले इनको मैं बोलना चाहूँगा, एक बार हमारी क्लास लेके देखें, इनको पता चलेगा कंसेप्ट क्या होता है। एक बार हमारी क्लास लेके देखें, सुने एक बार कंसेप्ट क्या होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बड़ी फैकल्टी, बहुत बड़ी फैकल्टी है कोलकाता, एक जगह की एक बड़ी फैकल्टी है, कोस्टिंग की फैकल्टी है, उन्होंने मेरी स्पेशली कोस्टिंग की क्लास ली। वो कंटेंट ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें स्पेशली सारी डिटेल आ जाती है, किसने देखी किसने, उन्होंने तो कोस्टिंग क्लास खरीदी मेरी। मैंने नाम नहीं लिया कभी भी, मैं क्लेम कर सकता था कि ये देखो ये मेरी क्लास देख रहे, कंसेप्ट ठीक करने के लिए खुद क्लास देख रहे थे, ये हाल थे। SCMP की क्लास ली थी उन्होंने, तो मैं इनको भी बोलूँगा एक बार कंसेप्ट देखो हमारे, पता चल जाएगा कंसेप्ट क्या होता है। दूसरी बार अगर इनको लगता है कि कंसेप्ट नहीं करवाते, हमारा मकसद है बच्चों को पास करवाना, जिनको तुमने फेल करवाया है, कई सालों से फेल करवा रहे हो, किसी को 10 साल से, किसी को 15 साल से, जिनकी ज़िंदगी तुमने ख़राब की है, हमको उन सबको पास करवाना है, रैंक दिलानी है, ये हमारा मकसद है। और ये हम इसी को करेंगे। अगर आपको आग लगती है तो लगेगी, और अगर ज़्यादा ही आग लग रही है, अपना एड्रेस भेज देना, मैं बनवल भिजवा दूंगा, कोलकाता का एड्रेस भेज देना, बनवल भिजवा दूंगा मैं आपको वहाँ पर। इसके अलावा बोल रहे थे रिवीजन वीडियो ले लेते हैं, बच्चे इनका रिवीजन देख लेते हैं और पास हो जाते हैं। मैं बताऊँ इनको, रिवीजन वीडियो जो होते हैं ना, एक बार ये देखेंगे रिवीजन वीडियो क्या किस लेवल के होते हैं। और इनके तो हाल क्या है, रिवीजन वीडियो तक के पैसे लेते हैं, इतने गिरे हुए हाल हैं। जो 20-30 घंटे के रिवीजन वीडियो होते हैं, उनके भी ये 5-6 हज़ार रुपये ले लेते हैं, ये गिरे हुए हाल है। अगर इतना ही औकात है, कैपेसिटी है, तो रिवीजन वीडियो फ्री में शेयर कर दो, करके देखो फ्री फ्री में। अरे नोट्स फ्री में शेयर कर दो, रिवीजन वीडियो नहीं, तो कुछ फ्री में शेयर नहीं होता इनसे, लेकिन बस लूटना है, 20 हज़ार, 15 हज़ार, 5 हज़ार, सब चीज़ों में लूटना है, एक चीज़ फ्री में शेयर नहीं की जाती, और मुझे ज्ञान दे रहे थे। बोल रहे थे रिवीजन मैराथन देख लिया किसी ने, रैंक आ गई।
एक बार लेके देखो, एग्जाम से पहले कंटिन्यूस 7 घंटे रिवीजन में रहता, नानी याद आ जाएगी। 7 घंटे कंटिन्यूस रिवीजन में रहते लोगे, नानी याद आ जाएगी आपको। इसके अलावा ये बोल रहे थे, खुद ही बोल रहे थे खुद के लिए ही, कि इनके पास इनका खुद का यूट्यूब का, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, किसी का एक्सेस नहीं है। अरे फिर करते क्या हो, बच्चों का डाउट कौन करता है, मतलब आपकी टीम ही करती है क्या? फिर आप क्या करते हो, पैसे किस बात के लेते हो? मतलब एक्सेस किसी का नहीं है, पैसे किस बात के लेते हो? इनसे एक डाउट सोल्व नहीं होता ये। एक बच्चे का खुद का मैसेज नहीं करते, खुद के बच्चे का एक रिप्लाई नहीं करते ये। जबकि मैं बताता हूँ, हमारे टोटल स्टूडेंट का सेम डे पे रिप्लाई किया जाता है, सेम डे पे। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट नहीं भी होते तो मैं भी उनका डाउट सोल्व करता हूँ, मेरे स्टूडेंट नहीं भी तो भी मैं डाउट सोल्व करता हूँ सबका। इसके अलावा अभी तो ऐसे हाल हो रखे हैं कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं डेली, मैं बताऊँ आपको 2500-3000 मैसेज आ रहे हैं, 2500-3000, एक मेरे पास भी, अजय के पास भी, और सबका रिप्लाई किया जा रहा है, और भयंकर कॉल आ रहे हैं। मैं तो अभी कॉल नहीं उठा पा रहा इस चक्कर में, इतने सारे मेरे पास लगभग डेली के 100 हज़ार कॉल आ रहे हैं, और अजय के पास आ रहे हैं, अजय तो कॉल उठा रहा है। मैंने तो सबको ये बोला कि अभी व्हाट्सअप कर दो, सबका रिप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे ना हो। और क्लास लेता तो सबका डेली रिप्लाई होता है, हमारे स्पेशली 4-5 घंटे इस चीज़ में जाते हैं डेली के, क्लास लेने के बाद। अभी तो पूरा दिन ही इसी में जा रहा है, सबको बता रहे हैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या हैंडल करना है। और इनके हाल में बताऊँ, एक बार नंबर शेयर करो, पता चलेगा आपको, नंबर आपसे शेयर नहीं होते। जब ये खुद के जो बच्चे इनके 20-20 हज़ार क्लास दे के क्लास लेते हैं, उनका एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते, बाकियों का क्या ही करेंगे, बाकियों का तो क्या ही करेंगे। जबकि मैंने खुद के मेरे पर्सनल नंबर शेयर कर रखे हैं सबके साथ। इसके अलावा इनको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हम खाली रैंक नहीं निकालते, एक बार मेरा टेलीग्राम देखना, हज़ारों मैसेजेस मिल जाएंगे कि आपकी वजह से सर ये हो गया, आपके इसकी वजह से ये हो गया। हज़ारों मैसेजेस पास होने के मिल जाएंगे आपको, जिनको आपने फेल किया था 10 सालों से, 15 सालों से, 5 सालों से, उनके मैसेजेस मिल जाएंगे। एक बार खोल के देखना, आपको अक्कल आ जाएगी, अक्कल आ जाएगी। सारे पढ़ने बैठोगे तो 2 दिन लग जाएंगे आपको पढ़ने में, इतने सारे मैसेज, हज़ारों मैसेज मैं बोल रहा हूँ जो मैंने शेयर किया। अभी तो मैंने इतने सारे शेयर भी नहीं कर पा रहा, इतने सारे मैसेजेस हैं, जबकि हज़ारों मैंने शेयर भी किए। एक बार इनको अक्कल चाहिए तो अक्कल ले लेना वहाँ से। और अगर और भी मैसेजेस देखने, एक बार मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बंडल बना के भेज दूंगा। इसके अलावा रिवीजन वेडन का मैंने बताया आपको, इनकी बस की नहीं, औकात नहीं है कि 7 घंटे रिवीजन लेके करके देखें आपके लिए। और एक चीज़ और करते हैं, ये ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, हर ऑडियो में बावर सर से बात हुई। बावर सर, अरे बावर सर को बीच में क्यों लाते हो आप बावर सर की जूती के बराबर नहीं हो। मैं बावर सर की हमेशा तारीफ़ करता हूँ, जबकि मैं उन वो मेरे कंपटीटर हैं, हम दोनों DT पढ़ाते हैं, मैंने तो हर वीडियो में उनकी तारीफ़ की है। मतलब जबकि ये रिजल्ट वाला जो वीडियो था, रिव्यू वाला है जो मैंने निकाला था, उसमें भी उनकी तारीफ़ करी थी मैंने। एक बार सुनना, आप उनकी जूती के बराबर नहीं हो। मैं हमेशा जो टीचर सही है उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ, चाहे वो मेरा कंपटीटर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भंवर सर की हमेशा तारीफ़ करी है, जबकि अजय जो भाविक चौकसी सर है, FR पढ़ाते हैं, उनकी हमेशा तारीफ़ करता है, वो भाविक चौकसी सर की हमेशा तारीफ़ करता है। लेकिन आप जैसे लोग जो होते हैं ना, धंधा चला रखा था जिन्होंने, आप तारीफ़ करने लायक नहीं हो, आप जूती खाने लायक हो। और बोलते हैं ये कि हम गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह कर रहे हैं, गुमराह किसने किया सब पता है, गुमराह आप जैसे लोगों ने किया है, जो 20-20, 25-25 हज़ार फीस लेते थे, ना डाउट कोई सोल्व, पता नहीं क्या ही पढ़ाते थे, CS, CMA, CFA, सभी एक चीज़ में, और बोलते थे ज्ञान दे दिया, ज्ञान दे दिया। अरे बच्चे को पास करवा दो पहले, ज्ञान दे दिया। CS, CMA, CFA, बेचारे बच्चे पे मेंटल प्रेशर डाल देते थे आप, उससे हमने निकलवाया है। आग तो लगनी ही आपको कि ये क्या कर दिया, जिनकी फीस 10-10 हज़ार होती थी, आज 1000 रुपये पे आ गए वो। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है सब्जेक्ट में कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, मैं सब इस सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो डालूंगा, सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो डालूंगा, आप वो देख लेना, उसमें टोटल डाउट कवर होंगे। उसके बाद आपको कोई भी डाउट आप मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको रिप्लाई करूंगा, आप मैसेज कर देना। कॉल अभी फिर भी मैं उठा नहीं पा रहा, फिर भी कोशिश करूंगा कॉल उठाने की। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट मिलना भी चाहते हैं। कल मैं एक स्टूडेंट से मिला, कल परसों ही, जो नंदुरबार से स्पेशली मिलने आई, नंदुरबार महाराष्ट्र में पढ़ता है। और आज एक स्टूडेंट अभी मिलने आई, इस कारण मैं वीडियो भी लेट बना पाया, मुंबई से स्पेशली मेरे से मिलने आई, मुंबई से, इनसे दुखी होकर कि कैसे इन्होंने फेल किया, स्पेशली मिलने आया। और मैं मिल रहा हूँ सबसे, ये नहीं कि चार्ज ले रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो इज्जत ऐसा नहीं है कि इज्जत कमाई जाती है, ऐसे नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। आप जैसे उन्होंने जो धोखा दिया है ना, पहले पहले जो गुमराह किया कि पहले नेट वगैरह कुछ होता नहीं था, गुमराह करते गए थे, वो फर्जीवाड़ा कभी हमने नहीं किया कि ये आ रिव्यू डलवा दिया कोरा पे, ये वो ये लगा दिया, ऐसा काम हमने नहीं किया कभी भी। लास्ट में यही कहूँगा, मेरा कोई पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है, मेरा कोई पैसे कमाने का कोई वो भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट है पैसा ही कमाना है मेरे को। मुझे पता है मैं खाली आता आया था, खाली आती जाऊँगा, मुझे मेरे कर्म सुधारने, ऊपर वाले को जवाब देना है, मेरा ये सिद्धांत है। मैं इनको भी यही बोलूँगा, इन फैकल्टी को भी, आपकी तो वैसे भी उम्र हो गई है, कर्म सुधार लो, कुछ बच्चों के लिए भला कर दो, कुछ भी फ्री दे दो, रिविजन वीडियो नोट्स कुछ भी अगर देना चाहो तो, बाकी ऊपर वाले को जवाब देना सबको। तो आज के लिए इतना ही है,
थैंक यू सो मच।